लोकसभा चुनाव 2024 में जनपद की दोनों सीटों आजमगढ़ और लालगंज के लिए नामांकन चल रहा है। सपा और भाजपा ने जहां तीसरे दिन ही नामांकन दाखिल कर लिया था, वहीं पांचवें दिन शुक्रवार को दोनों लोकसभा सीटों से बसपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान लालगंज की बसपा प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी अपने प्रस्तावकों के इंतजार में कुछ देर के लिए बैरिकेडिंग के पास ही रुक गई। तब तक आजमगढ़ सदर से बसपा प्रत्याशी मसहूद अहमद अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने के लिए पहुंच गए। इसके कुछ देर बाद ही लालगंज बसपा प्रत्याशी के प्रस्तावक भी आने के बाद वह भी नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट में दाखिल हुई। नामांकन करने के बाद दोनों प्रत्याशियों ने मीडिया से बातचीत भी की। मसहूद अहमद ने जहां भाजपा और सपा प्रत्याशियों को बाहरी होने की बात कही, तो वहीं डॉक्टर इंदु चौधरी ने सपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सपा बसपा को हमेशा भाजपा की टीम कहती है, लेकिन मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है और सपा कुछ भी नहीं बोल रही है, जबकि हमारी बहन जी ने कहा है कि जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो बसपा उसमें सबसे आगे रहेगी। आज बसपा ने 27 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, ऐसे में भाजपा की बी टीम बसपा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी है। चुनाव बहुत अच्छा है, माहौल बना हुआ है और अच्छा बनाएंगे और इंशाल्लाह हम जीत दर्ज करेंगे। देखिए, हम तो आजमगढ़ की जनता से बहुत ही संतुष्ट हैं। जब वो बाहर के मेहमानों को इतनी इज्जत दे सकती है, उनको यहाँ पे सांसद बना सकती है, हम तो इस ज़िले के लाल हैं, बेटे हैं। हमारे पिताजी शिवली कॉलेज के लेक्चरर थे, हम भी यहीं के पले हैं, बढ़े हैं, पैदा हुए हैं। हमें ये पूरी उम्मीद है जिस तरह से बाहर के लोगों को इज्जत और सम्मान दे के पार्लियामेंट भेज सकते हैं, तो आजमगढ़ जनता हमको भी जो है बसपा के टिकट से पार्लियामेंट भेजने की। जनता का बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है, उसी से पूरा आशा है कि ये जनता क्योंकि चुनाव लड़ रही है तो आशा पूरी है कि ये चुनाव हम ही जीतेंगे। बी टीम के रूप में कौन कार्य कर रहा है ये तो आपने देख ही लिया कि पूरा यादव परिवार, यादव पार्टी एक सीमित परिवार तक सीमित हो गई है, यादव पार्टी हो गई है। वो अहीर लोगों को भी टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप अपने ही समाज में ये हालत कर रहे हैं, मुसलमानों की कोई बात नहीं कर रहे हैं, कहीं मुसलमानों के खिलाफ एक मुसलमानों के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, उनके सपोर्ट में आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप क्या, आप खुद ही बता रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम आप स्वयं बने हुए हैं। और बहन कुमारी मायावती जी ने आजमगढ़ की जो मेन सीट है सदर की, वहाँ की सीट, बनारस की सीट और भी तमाम जो जगह हैं उन सब की सीट्स, और उसके साथ ही साथ देख लीजिए आप जो जौनपुर की सीट है श्रीकला सिंह जी की, इधर दारा सिंह चौहान जी की, ये तमाम जो इस तरीके से जो पूरा बालकिशन चौहान जी का जो हुआ है, इस तरीके से पूरा सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पे काम करते हुए 27 मुसलमानों को टिकट दिया है। ऐसे दशा में जहाँ पे ऐसा समय समाज में जहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है, मुसलमानों के जो सपोर्ट में केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी ही दिखाई दे रही है, बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर पूरे मुस्लिम समाज को भरोसा जताना चाहिए कि आप 18% हो करके भी क्यों माइनॉरिटी बने हुए हैं, आप बहुजन समाज पार्टी के सहयोग में आइए। बहन कुमारी मायावती जी ने खुल करके कहा है कि हम हमेशा मुस्लिम समाज के साथ में हैं, और माननीय आकाश आनंद जी हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने स्वयं ये कहा है कि बाबरी मस्जिद जब बनेगी तो हम उसमें सबसे पहले आगे पहल करके आएंगे। तो ऐसे में जो ये प्रश्न है कि बी टीम, भाजपा की बी टीम सही मायने में तो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे लड़ करके, देखिए आप दिन में सपने देखना बहुत अच्छी बात है, आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं भाई, आपके पास आंखें हैं, आपके पास मन है, आप किसी भी समय सपना देख सकते हैं, आंखें बंद कर लेने से अंधेरा थोड़ी होता है, हकीकत दुनिया के सामने है। पीडीए का नारा देने वालों ने एक भी मुसलमान को राज्यसभा भेजने का साहस नहीं किया, बहन जी ने दानिश अली जी को भेजा, इसके पहले और भी तमाम जो मुस्लिम लीडर्स हैं, हाँ, सालिम अंसारी जी को भेजा, नहीं अभी रिसेंटली मुनकाद अली साहब को भेजा। अगर समाजवादी पार्टी ये दावा करती है कि वो उनकी, उन्होंने रजिस्ट्री कराई हुई है मुसलमानों के नाम से उनके वोट की, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में, और इस बार 2024 के इलेक्शन में मुसलमान समाज बहुजन समाज पार्टी को वोट करके इसको साबित कर देगा।
केवल दलित मुस्लिम फार्मूला नहीं रहेगा। बहन कुमारी मायावती जी के नीचे सर्वजन हिताय की नीति है, तो न केवल मुसलमान बल्कि सर्व समाज बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को याद कर रहा है। हम लोग चौराहे सट्टी पे पैदल मार्च कर रहे हैं, गाँव में लोगों से संपर्क कर रहे हैं, शहर में लोगों से संपर्क कर रहे हैं, सभी लोग यही कह रहे हैं कि बहन जी का शासन ऐसा था, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा सब एकदम दुरुस्त थी, और वही बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल जो है देश में आना चाहिए, शासन देश में आना चाहिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहन जी ने शासन। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।